नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं मेरे एक पुराने मित्र और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े रहे दिग्विजय शर्मा जी। दिग्विजय शर्मा जी अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं और एजीएम की पोस्ट पर थे, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लोकल हेड ऑफिस है एसबीआई का, वहां से। तो आज ये हमारे स्टूडियो में आए तो सोचा कि बात कर ली जाए, क्योंकि हमारे देश में आजकल आर्थिक नीतियों को लेकर, देश की बैंकिंग सेक्टर को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो चलते रहते हैं। आपको याद होगा कि एक बार राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में रघुराम राजन का इंटरव्यू किया था। तो हमारे रघुराम राजन तो दिग्विजय जी हैं और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, 40 साल का इनका अनुभव है। तो मैं दिग्विजय जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। धन्यवाद। तो दिग्विजय जी, मुझे मेरे मन में जो एक बेसिक सवाल उठता है हमेशा, पिछले 10 साल में जैसे कि एक नया दौर आया है राजनीति का हमारे देश में, एक नई सरकार 10 साल से काम कर रही है जो पारंपरिक सरकारों से अलग हटके थी थोड़ी सी, उसके बारे में अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, कुछ मेरे मित्र लोग हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनकी राय है कि निर्मला सीतारमण अच्छी वित्त मंत्री नहीं है, उनके कार्यकाल को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद 5 साल से वित्त मंत्री हैं। पिछले टर्म में भी उन्हें अंतिम समय में वित्त मंत्रालय का चार्ज आ गया था। तो मैं ये जानना चाहता हूं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए बिल्कुल अंदर की सेक्टर की, जो आपके सेक्टर की बातें हैं, क्योंकि अब आप रिटायर हो चुके हैं तो आप खुलकर बोल भी सकते हैं इन चीजों पर। तो ये बताइए थोड़ा सा कि पिछले 10 सालों में सरकार का दावा ये रहा है, हमारी सरकार का, कि हमने बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो है आमूलचूल बदलाव किए हैं, बहुत डायनेमिक शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है बड़ा। तो क्या ऐसा हुआ है, और वो हुआ है तो किस लेवल पे हुआ है? जी नमस्कार हर्ष जी, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो हर्ष जी, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, इतना खूबसूरत आपका स्टूडियो में आज देखने आया था और मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं पिछले 15-20 साल से आपको जानता हूँ। आप जितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं और इतना खूबसूरत स्टूडियो आपने बनाया है, और मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी मैं रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ हूँ एज AGM पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली से। तो जहाँ तक बैंकिंग सेक्टर का सवाल है पिछले 10 वर्ष के अंदर, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो उससे पहले नहीं हुए थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे पहले देश में तरक्की नहीं हुई या काम नहीं हुए, बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट था वो पिछले 10 सालों में कई गुना बढ़ा है। मैं शुरुआत करता हूं 2013-14 से, जब ये सरकार आई थी, हमारी भाजपा की नई सरकार आई थी, तो उस टाइम इन्होंने सबसे पहला जो मोदी जी का एजेंडा बैंकिंग सेक्टर के लिए आया था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। हमारी जो देश की पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं थी। कुछ चंद लोग, या मैं अगर कहूं तो 25-30 या मैक्सिमम 40% लोग हमारे बैंकिंग सेक्टर से लिंक थे, उनके अकाउंट बैंकिंग में होते थे और वो उसके थ्रू अपनी बैंकिंग करते थे। लेकिन बहुत बड़ा तबका, उसमें खास तौर से जो हमारे गरीब लोग, गरीबी रेखा के नीचे काम करने वाले लोग थे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, हमारे किसान भाई, वो बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े थे। और मोदी सरकार आने के बाद सबसे पहला जो सबसे बड़ा उन्होंने स्टेप लिया बैंकिंग सेक्टर के लिए या आम जनता के लिए, वो सबको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, हर गरीब से गरीब आदमी के अकाउंट बैंक के अंदर खोले गए। मुझे आज भी याद है 2014 या 2015 के अंदर लाइन लगा लगाकर हजारों आदमी बैंकिंग के अंदर अकाउंट खोलने के लिए आते थे। उसके अलावा एक छोटे छोटे बैंक से संबंधित ग्राहक सेवा केंद्र खोले गए, जहां बिना केवाईसी के या सिंपल केवाईसी करके उनके टाइमी अकाउंट्स खोले गए, ताकि जो गरीब लोग हैं बैंक तक नहीं पहुंच सकते, उनके डोर स्टेप के ऊपर उनके घर के पास छोटे छोटे बैंक खोल दिए गए, जहां उन्हें बैंकिंग की सुविधा, बेसिक बैंकिंग नीड्स का उनका काम वहां चल सके। तो इस तरह से हमारे जो देश की जनसंख्या थी उसको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा गया, उनके अकाउंट लिए गए, ताकि उनकी जो छोटी छोटी बचत है वो बैंकों के अंदर आए और उस पैसे को चैनलाइज करके देश के उत्थान के लिए उसे इस्तेमाल किया जा सके। नहीं, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि उनकी जो छोटी छोटी बचत है वो चैनल में आए और बैंकिंग सेक्टर में आए, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि उनके अकाउंट इसलिए खुलाए गए थे कि जिससे BBT के थ्रू जो डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर होता है उसके लिए खुलवाए गए थे। कोई गरीब आदमी तो इतना बैंक में कि ये नहीं पैसा जमा कर सकता कि बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए,
ऐसा तो संभव नहीं है जी। देखिए मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। इनिशियली जब अकाउंट खुला, हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं या जो गरीब तबके की हमारी लेडीज हैं या इवन जेंट्स जो एक एक दो दो पांच पांच रुपए करके अपने रेनी डेज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बचा बचा के जोड़ते थे और घर में वो छुपा छुपा के रखते थे, वो पैसा मेन स्ट्रीम के अंदर आया, बैंकों के अंदर आया, और वो पैसा जब बैंकों में आया तो देश के डेवलपमेंट में उसका यूज होना शुरू हुआ। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के ऊपर, जो उससे पहले सब्सिडी दी जाती थी या जो हमारी जो सरकारी योजनाएं थी वो उनके अकाउंट के थ्रू नहीं जाती थी, उससे क्या था, उससे करप्शन बहुत ज्यादा फैल रहा था। आपको याद होगा जब राजीव गांधी पैसा मांगते थे हर चीज के लिए, एग्जैक्टली जब राजीव गांधी की सरकार आई थी तो एक बार उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बड़ा पॉपुलर, अगर एक रुपया हम किसी को बेनिफिट देना चाहते हैं तो बेनिफिशियरी के पास 20% ही पहुंचता है, 15 पैसे पहुंचता है और बाकी सारा पैसा बीच में कहीं कट लग कर इधर उधर हो जाता है। तो वो बात बिल्कुल सत्य थी, अकाउंट खुलने के बाद, बैंकों में आने के बाद और फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद उस करप्शन पे रोक लगी है। सरकार का जो पैसा बेनिफिशियरी के डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, वो सब्सिडी के रूप में या किसी भी रूप में या पेंशन के रूप में जा रहा है, या जो हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको अगर पैसा दिया जा रहा है, जो हमारी विधवा बहनों को अगर कोई पैसा बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो वो पूरा का पूरा पैसा उनके खाते में डायरेक्ट जा रहा है, जिसमें किसी तरह की करप्शन या चोरी की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई है। लेकिन ये जो फिर उस समय आप मेरे ख्याल में जो बात कर रहे हैं, वो जो जनधन खाते वगैरह जी थे, उनकी बात कर रहे हैं ये बिल्कुल शुरुआत। लेकिन बाद में फिर ये भी हुआ कि जनधन खाते बड़ी संख्या में डेड हो गए, कनेक्टिव हो गए। देखिए जब खाते ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ लोगों को ये भ्रम हुआ उस टाइम खाते खोलने के टाइम पे कि अगर हम खाते उसके अंदर खोलेंगे तो उसके अंदर सरकार की तरफ से कुछ पैसा लमसम पैसा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो लोगों ने भाग भाग के अपने खाते खुलवाने शुरू। अच्छा, वो मतलब उन्हें लगा कि सरकार बैंक खाते इसलिए खुलवा रही है कि वो आपके खाते में कुछ पैसे डालने आएंगे उसके अंदर, सभी लोग खाते पैसे, जैसे कि उस टाइम एक वो चला था मुद्दा कि ब्लैक मनी आएगी तो 15 लाख रुपए मिलेंगे, खाते 15 लाख रुपए आएंगे तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो लालच था कि 15 लाख रुपए हमारे पास आने हैं इसलिए खाते खुलवा लो भाई, तो उसका एक मेन कारण वो भी था। लेकिन जब वो नहीं हुआ, वो होना भी नहीं था वो एक्चुअली, वो तो वो कुछ लोग फिर उन्होंने खाते को ऑपरेट नहीं किया और बहुत सारे खाते हमारे इनऑपरेटिव या डेड हो गए, जो कि ऑपरेशन में नहीं रहे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा हमारा जो मास था कंट्री का, जो गरीब लोग थे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे, वो बैंक से जुड़े और उन्हें इसका बहुत फायदा हुआ। हाँ, उसमें से अगर 10% भी चल रहे हैं वो भी बड़ी बात। 10% नहीं, मैं तो कहूंगा कि 50% चल रहे हैं अभी। अच्छा, बिल्कुल। तो कितने अकाउंट खुले थे इस तरह के आप? देखिए इस टाइम आंकड़े आए, इस टाइम एग्जैक्ट डाटा के साथ मैं तैयारी से नहीं आया हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पोजीशन पे नहीं हूं। लेकिन बैंक का जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन उस टाइम 40% पे था, वो बढ़ के हमारा 70% क्रॉस किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काफी पॉपुलेशन हमारी बैंकों के साथ जुड़ गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण। अच्छा, थोड़ा सा सर्विस सेक्टर की बात बताइए हमें कि बैंकिंग सर्विसेज में क्या आमूल चूल, मतलब कोई ऐसा डायनेमिक चेंज बताइए कि बैंकिंग सेक्टर में के साथ उस वो काम ऐसा हुआ कि उसने सारा सीन बदल दिया। देखिए आपको याद होगा जब ये नोटबंदी हुई थी तो रातों रात ये आदेश सरकार का आया था कि कल से 2000 का नोट बंद हो गया, 1000 का, सॉरी 1000 और 500 का, 1000 और 500 के नोट ये बंद हुए थे जी। तो एकदम खलबली मची सारे अंदर, सारे देश के अंदर एकदम खलबली मची, क्योंकि ये काम पहले बता के नहीं डिक्लेयर कर सकती थी सरकार, तो ये तो अचानक होना ही था, तो किसी को मालूम भी नहीं था, इवन गवर्नमेंट मशीनरी को या बैंकिंग सेक्टर को भी मालूम नहीं था कि कल से ऐसा होने जा रहा है। नवंबर 2016 के अंदर, तो जब हमारे जो बड़े नोट थे वो प्रचलन से गायब हो गए, तो मजबूरी में जो गवर्नमेंट की सोच थी, एक तो ब्लैक मनी को कर्ब करना, नंबर दो आतंकवाद की कमर को तोड़ना, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी जिसके अंदर फर्जी नोट छापकर वो एक पैरेलल इकोनॉमी को चला रहे थे। नहीं देखिए, यहाँ शर्मा जी जो आप ये बात बता रहे हैं मुझे, ये आप जो वो बात बता रहे हैं जो मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आई जी, आप मुझे बैंकिंग सेक्टर की अंदर की बात बताइए कि साहब ये चेंज हुआ उस समय गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और बैंकिंग सेक्टर को मजबूर होना पड़ा उस चेंज पे आने के लिए, कुछ ऐसा चीज बताइए और जिसका बाद में फायदा हुआ। बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा हूं आपको। तो जब ये नोटबंदी लागू हुई तो बड़े नोट प्रचलन से निकल गए बाहर, तो मजबूरी में हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए लोगों को डिजिटल चैनल की तरफ माइग्रेट होना पड़ा।
पहले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लोग करने से लोग बचते थे, उनके मन में कहीं ना कहीं एक वो था, कोई जब भी कोई चेंज लिया आता है तो हमेशा उसे रेसिस किया जाता है, कोई भी चेंज को तो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारे देश के अंदर भी वही था, कोई भी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के लिए डिजिटल चैनल को यूज करने के लिए एक कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस था, लेकिन जब ये नोटबंदी हुई तो लोगों को मजबूरन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर आना पड़ा, और इसका सही मायने में जो यूज हुआ वो कोरोना के दौरान हुआ, क्योंकि उस टाइम आपका बाहर निकलना रेस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा लग गई, बैंक वैंक नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते थे, बैंक के अंदर बहुत लिमिटेड काम होता था, तो ये आपने जो डिजिटल की तरफ जो कदम उठाया था सरकार, उसका फायदा वहां मिला, उसका फायदा हमें कोरोना के दौरान मिला। और आज बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप देखते हैं तो डिजिटल एक बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहा है, लोग प्रीफर करने लगे अब घर बैठकर सारी ट्रांजेक्शन, इवन एक सब्जी वाला, एक रिक्शा वाला, एक ऑटो वाला भी आजकल पेमेंट QR कोड के थ्रू लेता है, आपने देखा होगा आपने। मैं अभी मार्केट गया था, मैंने लस्सी पी QR कोड से। तो QR कोड देखिए डिजिटल चैनल हमारा कितना पेनिट्रेट कर गया, तो इस सब का फायदा जो कदम हमने 10 साल या 8 साल पहले 2016 में उठाया था उसका बेनिफिट कोरोना में या आज देश को मिल रहा है। और वर्ल्ड के अंदर डिजिटल चैनल के थ्रू बैंकिंग करने वाला इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। नहीं वो तो खैर बात है, इंडिया तो जो भी काम करता है वर्ल्ड में, आबादी इतनी है कि यहाँ सारे ही काम बड़े होते हैं जी, तो बात है छोटे लेवल पे तो कुछ हो ही नहीं पाता। चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि GST सरकार ने इंट्रोड्यूस करा जी, उसे बड़ा क्रिटिसाइज किया जी, जी उसका और बैंकिंग सेक्टर का क्या कनेक्शन है, और उसका मतलब हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, कुछ उस तरह का वो बताइए। देखिए देखिए GST कैसे देखते हैं आप उसे, GST एसएस डायरेक्ट बैंकिंग से कोई लिंक उसका नहीं है, वो एक इकोनॉमी को कंट्रोल करने की, टैक्सेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बैंक। नहीं उसमें भी तो यही हुआ ना कि हर आदमी को अब बैंकिंग सेक्टर के थ्रू पेमेंट करनी है। हाँ। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिया तो उसका बिल आपको काटना है। जी 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 देखिए जो इससे ये भी तो हुआ होगा कि बैंक की लिक्विडिटी बढ़ी या कुछ, क्या फर्क पड़ा, कुछ ऐसा हुआ बैंक को? देखिए पहले क्या था, जीएसटी जो था जो उसके पीछे सरकार का मेन मोटिव था, वो टैक्सेस हमारे कई स्टेजेस पे लगते थे, प्रोडक्शन स्टेज पे, फिर जो सेलिंग स्टेज पे, तो उस सबको जो हमारी वो उसकी डुप्लीकेसी थी उसे खत्म करने के लिए जीएसटी को लाया गया, ताकि एक ही बार टैक्सेशन लगे और सब वो सिस्टमेटिक लगे और सब कुछ ऑनलाइन, जैसे अभी बात चल रही है डिजिटल वाली, तो वो सेम चीज वहां भी इंप्लीमेंट होती है, वो सब कुछ सिस्टमेटिक होकर अब बिल्कुल उसमें कोई धांधलीबाजी करने की, उसमें कोई गड़बड़ करने की गुंजाइश खत्म हो गई। जो पैसा पहले बाहर चलता था अब वो बैंकिंग चैनल के थ्रू सारा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, वही बात आ जाती कि जो जो इकोनॉमी के अंदर जो हमारी करेंसी थी या जो हमारे फंड्स थे वो सब चैनलाइज बैंकिंग सेक्टर के थ्रू हो रहे हैं और गवर्नमेंट उसका यूज कर रही है, तो जीएसटी का फायदा अल्टीमेटली पब्लिक के लिए ही है। तो अब ये बताइए कि मैं सवाल वो पहले भी पूछा था आपसे, उस सवाल को हम मिस कर गए, कि जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं जी हमारे निर्मला सीतारमण, और अक्सर जब हर साल बजट पेश होता है तो बहुत सारी चीजें सरकार को क्रिटिसिज्म, बहुत तरह की आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं जी, तो कुछ चीजों में ऐसा लगता है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं थोड़ी अड़ियल हैं जी, कुछ लोगों का मानना है, जैसे मेरे, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे कुछ मित्र हैं जो शेयर मार्केट में शेयर ब्रोकर का काम करते हैं, हमने भी एक दो जगह डीमैट अकाउंट खुलवाए हुए हैं, उनसे जब भी बात करेंगे तो कहेंगे यार ये देश की फाइनेंस मिनिस्टर तो कचरा है, इसने बड़ा हमें डिसअपॉइंट किया है, ऐसा क्यों है, क्यों कहते हैं लोग? देखिए मेरा मानना यह है कि कोई भी डिसीजन, बड़े लेवल का जो डिसीजन होता है देश के अंदर, वो एक फाइनेंस मिनिस्टर अपने दम पर नहीं ले सकता, उसके साथ एक पूरी टीम होती है और उस टीम के पीछे भी सरकार की पॉलिसीज होती हैं, वो एक पूरी कैबिनेट कमेटी के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है, उसके तहत फिर फाइनेंस मिनिस्टर और वो टीम काम करती है, इसलिए किसी भी बात के लिए किसी फाइनेंस मिनिस्टर को दोष देना वो मैं ठीक नहीं मानता। जो सरकार की नीतियां होती हैं उसके तहत ही फाइनेंस मिनिस्टर को काम करना पड़ता है और वही वो डिसीजन लिए जाते हैं। जहां तक अड़ियल रवैये की बात है तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई डिसीजन लिया जाना होता है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग उसे बाय करना चाहिए अपने डिसीजन को। यस यस, तो इसलिए मैं ये बात को नहीं मानता कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कॉम्पिटेंट नहीं है या वो चिरा काम नहीं कर पा रही है। मेरा मानना यह है कि पिछले 9 साल या 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं वो कोई छोटे मोटे काम नहीं हुए, बहुत अच्छे डिसीजन लिए गए हैं, तो अच्छा काम हो रहा है देश के अंदर। अच्छा, एक बड़े हमारे देश में बड़े वित्तीय मामलों का जब भी कुछ मामला चलता है तो रघुराम राजन साहब आ जाते हैं, RBI के गवर्नर रहे हैं, विदेश में रहते हैं, इंडिया में तो रहते भी नहीं वो,
लेकिन जब भी आते हैं तो बड़ी मीडिया सुर्खियों में रहते हैं, बड़े इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, कभी वो देश की जीडीपी पे सवाल उठाते हैं, कभी कहते हैं कि सरकार बैंकिंग सेक्टर का कचरा कर रही है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, रघुराम राजन साहब रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और वो एक बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं इकोनॉमी के अंदर, फाइनेंस के अंदर, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, तो उनके जो कमेंट्स हैं मैं उन्हें बुरा नहीं मानता। देखिए, हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार है और अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो कहीं ना कहीं उससे हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है। हो सकता है वो चीजों को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त कर देते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता वो ज्यादा पॉलिटिकल हो जाते हैं? एक्चुअली देखिए, वो पिछली सरकार के साथ उनका थोड़ा सा एसोसिएशन ज्यादा रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ, तो वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा। जी हाँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनके माइंड में उस तरह का भी कुछ रहता हो, लेकिन अल्टीमेटली मेरा मानना ये है कि वो एक बहुत काबिल इंसान है और अच्छे कमेंट करते हैं। नहीं, वो अगर आप ये बताइए, चलिए आपने कहा वो काबिल इंसान है, ये जो बात कहते हैं कि लोग बैंक का इतना पैसा लेकर नीरव मोदी फलाना ये सब भाग गए यहाँ से, ये सारे तो सब रघुराम राजन के सामने ही हुआ, कैसे हुआ ये? देखिए, ये इस तरह के जो भी धांधलीबाजी कहूं मैं या इसे फ्रॉड्स में कहूं बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो होते हैं, ये क्या एक ये कंटिन्यूस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है और जो गड़बड़ चलती है ये बाहर निकलती है जब ये घटना हो चुकी होती है। नहीं, मैं ये तो कहता हूँ, लोग ये कहते हैं ना कि साहब मोदी सरकार ने भगा दिया इन लोगों को, ये तो भागे मोदी सरकार के समय में, मैं इसमें इंकार नहीं करता, लेकिन ये ऐसा तो है नहीं कि वो 2014 के बाद ही उन्होंने लोन लिया, फ्रॉड किया और भागे। ये सारे जो प्रोसेस तो ये 5-7-10 साल 15 साल बिल्कुल ये सारे जो भी एपिसोड है ये काफी टाइम से चल रहे थे, लेकिन ये निकल कब आए जबकि मोदी सरकार थी, और अब जो भी कारण रहे कि कैसे देश से जा पाए, इस बारे में मैं अच्छी तरह कमेंट नहीं करना चाहूंगा इस चैनल के ऊपर बैठकर। अब क्या सरकार ने उन्हें रोकना, क्यों नहीं रोक पाई उन्हें, क्या कारण रहे, कैसे निकल के चले गए, ये थोड़ा सा टेक्निकल एक सब्जेक्ट है, तो इस पर मेरा कमेंट करना कुछ उचित नहीं होगा। तो अभी ये बताइए कि चलिए अगले कुछ साल में जो अभी आप तो फिलहाल अभी आपका रिटायरमेंट पीरियड शुरू हो गया है, लेकिन अभी तो आप टच में थे अभी कुछ महीने पहले, तो अभी ये बताइए कि भविष्य में जो है भारत किस दिशा में जा रहा है, इकोनॉमी हमारी और ये सब किस तरह जा रही है? देखिए, हमारे सरकार दावा करती है कि हम 3 बड़ी इकोनॉमी में होंगे, जी। उसमें क्या आप देखते हैं? देखिए, हमारा भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अभी भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जिस स्पीड से हमारी ग्रोथ आ रही है, जो सरकार प्रेडिक्शन कर रही है, तो बहुत जल्दी हमारा देश top 3 इकोनॉमी में जाने वाला है और मुझे कोई डाउट नहीं है कि आने वाले 10-20 साल के अंदर हम वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 इकोनॉमी होंगे। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं फॉर्मल बात से अलग हो जाते हैं, आप लोग बैंकिंग सेक्टर के लोग जब फुर्सत में बैठते हैं तो क्या बात करते हैं, कभी सरकार की पॉलिसीज बैंकिंग सेक्टर को? जैसे कि मैं आपसे जब एक बार मिला था तो मेरे ध्यान है कि उस समय डिमोनेटाइजेशन का समय था, नोटबंदी का समय था, मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने आपसे कहा था कि भाई वो बदलवाने हैं, तो मैं आपके पास गया था, मेरे ध्यान है बड़ी भीड़ थी ब्रांच के बाहर, आप मुझे अलग से गेट से अंदर लेके गए थे, याद है आपको? बिल्कुल मुझे तो उस समय मैंने आपसे कहा कि भाई ये सब जो है इसका क्या है, तो उस समय आपका कमेंट कुछ और था, आपने ये कहा मेरे से कि भाई मोदी जी को लगता है कि हमारे देश के जो बैंक वाले हैं कुछ काम करते नहीं है, इन्हें काम दे दो, तो अब ये नोट बदलने का काम दे दिया हमें। तो जब इन व्यक्ति जब नौकरी में होता है, काम करता है, प्रोफेशन में होता है, तो उसकी अप्रोच दूसरी तरह की होती है, मैं देख रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद दूसरी हो जाती है। ऐसे तो जो बैंकिंग सेक्टर के आपके मित्र हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, जो अभी रिटायर नहीं हुए, वो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो आपने बताई सर्विस सेक्टर की बात, वो तो जनता पे हो गया सब कुछ, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में भी हमारे देश में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं जी, सारे बैंकों में अगर प्राइवेट है उसके बाद मेरे ख्याल में करोड़ों लोग होंगे, बिल्कुल ही होंगे, वो किस तरह से सोचते हैं उनकी लाइफ, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर, उनकी क्या कहना चाहिए कि उन्हें जो काम करने की सहूलियत है, उन सब के बारे में वो क्या सोचते हैं कि वो पिछले कुछ समय में क्या चेंजेस आए हैं, या उन पे बर्डन बढ़ा है, या वो काम उनके पास कम हुआ है, क्या है, क्या सोचते हैं वो जब बैठ के बात करते हैं आपस में?
देखिए, पहले तो मैं आपकी बात ये कहना चाहूंगा, जो आपने बात कोट की है डिमोनेटाइजेशन वाली बात, हाँ। तो अगर मैंने कुछ ऐसा कमेंट किया होगा, नहीं आप घबराइए नहीं, आप रिटायर हो गए, कौन निर्मला, नहीं मैं तो सोचा था कि आप निर्मला सीतारमण जी के बारे में बेबाक बोलेंगे, लेकिन आप तो मुझे लग रहा है कि आपको अभी भी जो है ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री कहीं आपकी क्लास न लगा दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जो कुछ बोला वो मेरे अपने विचार है और मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से ठीक बोला है। तो मैं वही मैं बोलूंगा कि अगर मैंने ऐसा बोला कि उस टाइम की मोदी सरकार को लगता है कि बैंक वाले खाली हैं, शायद एक मैंने कैजुअली कुछ नहीं, वो होता है ना कि इंसान जो है वो फ्रस्ट्रेशन में कई बार हो जाता है। नहीं, लेकिन हमें बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं था, जो सरकार का डिसीजन था हमने उसे चैलेंज की तरह लिया था और मुझे खुशी है। नहीं, वो तो वो बात मैं मानता हूँ आपकी, कि आपने भी कहा था कि हमने चैलेंज की तरह लिया, और आपने एक बात और भी बताई थी जी, कि उस डिमोनेटाइजेशन का एक फायदा हुआ कि बरसों से जो 100-100 के नोट पेटियों में पड़े हुए थे वे बाहर निकल आए, जो चिपक गए थे एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हमारे एक चैलेंज था और हमने उसे एंजॉय भी किया। जिस तरह से हजारों की भीड़ हमारी ब्रांच के साथ बाहर लगती थी और हमने किसी आदमी को खाली नहीं जाने दिया, हम ये मानते थे कि लोग कितने परेशान है, कितनी परेशानी में है नोटबंदी होने के कारण से, तो हमने एक जज्बे के साथ काम किया और हमें बहुत खुशी का एहसास होता है जब हम सोचते हैं कि हमने उन दिनों को चैलेंज को फेस किया। नहीं, मैं आज के दौर की बात कर रहा हूं। आपने बोला जो एम्प्लॉय हैं बैंकिंग सेक्टर के, जो लोग हैं जी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लोग भी बहुत सारे हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल पे बहुत लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आप इस विषय पे बनाओ, बैंकिंग सेक्टर की बात करो, फाइनेंस की, सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की। तो जब आप लोग अब बैठते हैं ऑफिस में, एम्प्लॉइज खाली समय में लंच टाइम में क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, मैं बैंकिंग सेक्टर की जो इंटरनल बातें हम लोगों में आपस में होती है, हम भी क्या, हम भी एक आम इंसान है देश के, तो हम कंपेयर करते हैं कि जो प्रोफेसर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई, हम कंपेरिजन करते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं, किस कंडीशंस में काम करते हैं, उनकी सैलरी, उनके पर्क्स की क्या पोजीशन है। तो हम ये पाते कि कहीं ना कहीं बैंकर जो है बहुत स्ट्रेस में काम करता है। हम जो भी बैंकिंग के अंदर काम करते हैं वो बहुत रिस्की काम होता है, हमारे से जाने अनजाने कब क्या गलती हो जाए उस टाइम हमें एहसास नहीं होता, और वो गलती साल भर बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद जब हाईलाइट होके आती है, फिर बैंक का जो सिस्टम प्रोसीजर हमारे खिलाफ जो फिर आरोप लग जाते हैं, भ्रष्टाचार, और हमारे पे आरोप आरोप नहीं कहूंगा, लेकिन बैंक का एक सिस्टम प्रोसीजर है कि अगर कोई एक चीज हाईलाइट हो गई कि बैंकर ने कोई गलती कर दी जाने अनजाने में, तो वो जो प्रोसेस बैंक का चलता है इंक्वायरी करने का, तो वो हमारे लिए बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। उस दौरान ना सिर्फ हमारे प्रमोशन रुक जाते, बल्कि आप ये प्रूव करने के लिए कि हमने इंटेंशनली गलती नहीं करी है या हमसे गलती अनजाने में हो गई, वो बड़ा पेनफुल पीरियड होता है। तो इतने स्ट्रेस में काम करने के बाद जो हमें सैलरी पैकेज और रेम्यूनेशन मिलते हैं वो और डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में हमें लगता है कि शायद उतना हमें नहीं मिलता, क्योंकि बैंकर हमेशा स्ट्रेस में बात सही है। नंबर दो, आपकी और मेरी एक बार बात हुई थी सैलरी को लेके जी, और जब आपने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए अधिकारियों की सैलरी बताई तो बड़ा चौंक गया था। जी जी, मैं तो ये सोचता था कि बैंकिंग सेक्टर को जो है बहुत अच्छी सैलरी मिलती होगी, लेकिन मैं चौंक गया कि आदमी की इतनी लंबी सर्विस होने के बाद भी उसकी सैलरी एक प्राइवेट बैंक सर आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर से या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे इक्विवेलेंट रैंक के जो ऑफिसर से उनसे अगर कंपेयर करें तो बैंकर आज बहुत पीछे छूट गया है। बैंकर जितने स्ट्रेस में और जितने रिस्क के साथ काम कर रहा है वो फाइनेंशियल सेक्टर में, उसकी कलम से अगर एक भी ट्रांजेक्शन गलत निकल गई तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं छोटे से कैशियर की बात करता हूँ जो काउंटर के ऊपर कैश गिनता है, यदि उसका शाम को जब हिसाब टैली करता है और उसका मान लीजिए 1,000 रुपए कम शॉर्ट पड़ गया, उसे अपनी पॉकेट से डाल के उस कैश को पूरा करके कैश को बंद करना होता है। इसका उल्टा यदि उसके काउंटर पे किसी अगर 1,000 रुपए एक्सेस पाए गए तो वो उसे अपने पास नहीं रखेगा, वो उसे बैंक का जो ऑफिस अकाउंट होता है वहां उसके नाम पे सबमिट करेगा उसे, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई कस्टमर बाद में क्लेम करने के लिए आ जाए कि साहब मैंने एक नोट ज्यादा दे दिया। तो ये देखिए, जब शॉर्ट पड़ता है तो बैंकर दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और जब वो पड़ता है तो बैंकर ईमानदारी के साथ तो अगर कस्टमर से पता चल जाए कि उस कस्टमर का ज्यादा मेरे पास आ गया तो 99.9% केसेस के अंदर बैंक उसके घर पैसा पहुंचा के आता है कि सर आज आपके पास से हमारे पास ये पैसा ज्यादा आ गया। मैंने अपने पूरे 40 साल के कैरियर में शायद कभी कोई ऐसा एपिसोड देखा होगा कि अगर काउंटर पर कैश कोई फालतू हो गया और पता लग गया कि फला कस्टमर का कैश फालतू आया है, वो उसे टेलीफोन करके या उसके घर नहीं पहुंचाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये आपने इस तरह की बात बताई है, इस तरह की स्टोरी जो है लोगों को पता नहीं होती जी, इस तरह की चीजें भी फेस करते हैं। और बैंकर हमेशा, मेरा मानना ये है कि बहुत ईमानदार आदमी होता है, और अगर बैंकर ईमानदार नहीं होगा तो ये बैंकिंग सेक्टर समाप्त हो जाएगा।
तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी अथॉरिटीज हैं, जो भी इस चीज को देखते हैं कि जो रिस्क प्रोफाइल बैंकर का है उसे देखते हुए उसका बैंकर्स का रेम्यूनरेशन उसी हिसाब से होना भी चाहिए जो कि आज की डेट में नहीं है। चलिए इसी नोट पे समाप्त करते हैं। हमने आज सभी मुद्दों को डिस्कस किया, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी आपसे, मैं बहुत बात करना चाह रहा था लेकिन वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, लगभग 25 मिनट से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दो चीजें निकल के आई, सरकार हमारी ठीक लाइन पे चल रही है, काम ठीक हो रहा है, और दूसरा जितना रिस्क के साथ बैंकिंग सेक्टर के लोग काम करते हैं उन्हें उसके हिसाब से उन्हें वेतन और सब सुविधाएं नहीं मिलती, ये आपकी एक शिकायत भी है। जी बिल्कुल। तो हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो के माध्यम से शिकायत हायर अथॉरिटीज को आप तक पहुंचेगी और कुछ ना कुछ इसमें होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो से, वैसे तो बहुत सारे लोग अपने लेवल पे कर भी रहे हैं, आपकी यूनियंस हैं वो सब करती हैं, एसोसिएशंस हैं वो भी करती हैं, तो धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में भी फिर इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सो मच, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।